राजस्थान में मायावती को बड़ा झटका। बीएसपी के सभी 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हुए। राज्य की अशोक गहलोत सरकार को पूर्ण बहुमत मिला। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला पीएसए के तहत हिरासत में। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को जम्मू कश्मीर के 4 जिलों में जाने की इजाजत दी। सीजेआई रंजन गोगोई बोले, जरूरत पड़ी तो वो खुद श्रीनगर जाएंगे। यूपी में उपचुनाव से पहले योगी सरकार को बड़ा झटका। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ओबीसी की 17 जातियों को अनुसूचित जाति में डालने के फैसले पर रोक लगाई। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद में हिंदू मुस्लिम पक्ष ने बातचीत की दोबारा पेशकश की। मध्यस्थता पैनल ने सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एनसीपी कांग्रेस 125 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 38 सीटें सहयोगी पार्टियों के लिए छोड़ी। रेप के मामले में घिरे पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और बीजेपी नेता स्वामी चिन्मयानंद की मुश्किलें बढ़ीं। पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करवाया। चिन्मयानंद की तबीयत बिगड़ी। 69 साल के हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार समेत कई नेताओं ने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों से जल्द मुलाकात करूंगा।